अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर मकदम है आपका फिदानामे में। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम हमारे प्यारे सब्सक्राइबर मलिक अशफाक साहब की ख्वाहिश पर गुंबदे खजरा की मुख्तसर तारीख आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये वो जगह है जहां 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते हदीय दुरूद व सलाम पेश करते हैं। गुंबदे खजरा मस्जिद नबी का अजीम शान गुंबद है और जो पैगंबर इस्लाम प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाहु अन्हु की कबूर मुबारक पर वाक़ है। ये गुंबद अपनी क़दामत के बावजूद, अपनी खुशनुमाई और अपने मुनफरिद अंदाज़े तामीर के सबब इस्लामी फ़न का अजीम और मायानाज शाहकार है। गुंबद खजरा मुसलमानों के लिए बाईस अकीदत व अहतराम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर के गुंबद की तामीर और तारीख ममलुक सुल्तान सैफुद्दीन कालून के दौर तक पहुँचती है, जिन्होंने इसे 678 ईस्वी में तामीर किया था। असल साख्त में लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। नूरुद्दीन अबुल हसन अली बिन अब्दुल्ला बिन अहमद बिन अली अल हुसैन वफाउल वफा अखबार दयारुल मुस्तफ़ा के मुताबिक तकरीबन 700 साल तक कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई इमारत नहीं थी। फिर 678 हिजरी में मंसूर बिन कलादून सालही, जो मिस्र का बादशाह था, उसने कमाल अहमद बिन बुरहान अब्दुल कवी के मशवरे से लकड़ी का एक जंगला बनवाया और उसे हजर मुबारक की छत पर नसब करवा दिया और उसका नाम कुब्बे रज़ाक रखा गया। फिर अल मलिक नासिर हसन बिन मोहम्मद खलादून ने और उसके बाद 765 हिजरी में अल मलिकुल अशरफ शाबान हुसैन, उसने मजीद तामीरी इजाफे किए। 1483 ईस्वी में काले पत्थर से नया गुंबद बनाया गया और उस पर सफ़ेद रंग लगवा दिया गया और उसे गुंबद बेजा यानी सफ़ेद गुंबद कहा जाने लगा। 1572 हिजरी में इंतहाई हसीन गुंबद बनाया गया और उसको रंग बरंगे पत्थरों से सजाया गया। अब उसका एक रंग ना रहा। 1818 ईस्वी में तुर्क उस्मानी सल्तनत के ज़माने में असरेनो इस गुंबद की तामीर की गई और उस पर सब्ज़ रंग किया गया, जो कुब्बतुल खिजरा यानी सब्ज़ गुंबद के नाम से मशहूर और मारूफ हुआ। उसके बाद अब तक किसी ने इसमें रद्दोबदल नहीं किया। उस्मानियों ने जिस अदब व अहतराम के साथ गुंबद खिजरा की तामीर की, मस्जिद नबी और मस्जिद हराम की तामीर की है, उसकी मिसाल तारीख कभी पेश नहीं कर सकती। मज़ीद तफसीलात के लिए आप पीर सैयद ग़ुलाम दस्तगीर नामी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तारीख़ मदीना और कुछ आप तारीख़ नजद व हिजाज में भी इसके हवाले से मालूमात हासिल कर सकते हैं। हरबन शरीफ़ैन के उमूर के महक़िक मुहिद्दीन अला हाशमी ने वाज़ेह किया है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जसद मुबारक की तदफीन के मुकाम के हवाले से सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन में इख्तलाफ पाया जाता था, जिस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस मुकाम पर तदफीन का फरमाया जहाँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवास कर गई थी। हज़रत अबू बकर ने रिवायत पेश की कि मैंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हर नबी को उसी मुकाम पर दफनाया गया जहां उसकी वफ़ात हुई। इसके बाद हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लहद को दी और जस्ते मुबारक को हिजरे नबी में जुनूबी सिमत में दफन किया गया। कब्र मुबारक और दीवार के दरमियान एक बालिश का फासला रहा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मगरिब की सिमत, पाँव मुबारक मशरिक की सिमत और चेहरा मुबारक क़िबला रुख है। सन 13 हिजरी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के वफ़ात के बाद उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया और उनका सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंडों के करीब है। हुजरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी की ईंटों और खजूर के पत्तों से बनाया गया था और उसकी दीवार छोटी थी। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस दीवार को पहले से ऊँचा कर दिया और खलीफा दुअम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से इजाज़त चाही कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब में दफन होने की सआदत हासिल करें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसार करते हुए इजाज़त दे दी। इससे कबल वो ख़ुद वहाँ दफन होने का इरादा रखती थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की तदफीन के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजरे में अपने और तीन कब्रों के दरमियान दीवार तामीर करवा दी। उस दीवार ने हुजरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। शुमाली हिस्सा उम्मुल मोमिनीन हज़रत
आयशा सिद्दीक़ा रदिल्लाहु अन्हा के रहने के लिए और जुनूबी साख कुबूर मुबारका के लिए। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में दीवार गिर गई और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदियल्लाहु अन्हु ने जाकर मुआयना किया था, देखा कि दीवारों का सुकूत कब्रों पर हुआ है और हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु के पांव जाहिर हो रहे थे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदियल्लाहु अन्हु ने दोबारा से पूरी दीवार को मुरब्बा की शक्ल में काले पत्थरों से तामीर करवाया, जो खाने काबा के पत्थरों से मुशाबहत रखते थे। सबसे अहम बात यह है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदियल्लाहु अन्हु ने जब वहाँ का मुआयना किया तो आपने ये देखा कि हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु के पैर नज़र आ रहे हैं। ये बात वाज़ेह होती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान इसारों का, आशिकों का जिस्म तो दूर की बात है कि कफन भी मैला नहीं होता। मुहिद्दीन अल हाशमी के मुताबिक हुजरे मुबारका में दाखिल होने का वाहिद रास्ता सब्ज़ रंग का मशरिकी दरवाज़ा है, जो 600 बरस से ज़्यादा पुराना है और दाखिल होने के बाद ही सामने सफ़ेद रंग का संगमरमर है, जिसको शाह फैसल के दौर में बनाया गया। उसके बाद सैयदा फातिमा रदियल्लाहु अन्हा का तख्त है, उसके अकब में उनकी मेहराब है। तख्त वो मुकाम है जहां सलातीन और हुक्मरानों की जानिब से पेश किए जाने वाले कीमती तहाइफ रखे जाते थे। उस तख्त में मौजूद तमाम अशिया को ट्रेन के ज़रिए इस्तंबुल के तोपी कापी महल पहुँचाया गया, जहाँ वह आज तक महफूज है। आला हाशमी ने बताया कि हुजरे के अंदर मगरिब की सिमत बाएं जानिब रोज़े मुबारका की तरफ जाएं तो सब्ज़ गिलाफ से ढकी हुई एक दीवार नज़र आती है। 1406 हिजरी में शाह फहद के दौर में उस गिलाफ को तब्दील कर दिया गया। इससे कबल ढापा जाने वाला पर्दा 1370 हिजरी में शाह अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद के ज़माने में तैयार किया गया था। मज़कूरा दीवार 881 हिजरी में उस दीवार के अतराफ तामीर की गई, जो 91 हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदियल्लाहु अन्हु ने तामीर की थी। इस बंद दीवार में कोई दरवाज़ा नहीं है। क़िबले की सिमत इसकी लंबाई 8 मीटर, मशरक़ और मगरिब की सिमत में 5.6 मीटर और शुमाल की जानिब दोनों दीवारों की लंबाई 14 मीटर है। नीज़ मुहिद्दीन आला हाशमी के कौल के मुताबिक 91 हिजरी से लेकर 5 शवाल 881 हिजरी यानी 700 बरस के अरसे में हुजरे नबी में कोई दाखिल नहीं हुआ, यहाँ तक कि शुमाली और मशरक़ी दीवारों में शदीद दराड़ें पड़ गई और दोनों दीवारें मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में हुजरे नबी ज़ाहिर हो गया। हुजरे के अंदर तारीख़ इस्लाम के एक नामवर इमाम, फ़कीह और तारीख़दान नूरुद्दीन के सिवा कोई दाखिल नहीं हुआ। मशहूर और मरूफ किताब वफाउल वफा के मुअल्लिफ़ नूरुद्दीन अस्समहूदी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 911 हिजरी में हुई। 700 बरस गुजर जाने के बाद वह हुजरे नबिया में दाखिल होने वाली वाही शख्सियत ने इस किताब में हुजरे नबी का जिक्र तफसील से तहरीर किया है। उसका फ़र्श सुर्ख रंग की शबनमी रीत पर मबनी है। हुजरे नबी का फ़र्श मस्जिद नबी के फ़र्श से तकरीबन 60 सेंटीमीटर नीचे है। इस दौरान हुजरे पर मौजूद छत को ख़त्म करके उसके जगह टेक की लकड़ी की छत नस्ब की गई, जो देखने में हुजरे पर लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी के ऊपर एक छोटा सा गुंबद तामीर किया गया, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर थी और ये गुंबद खजरा के आइन नीचे वाकई है। हल हाशमी के कौल के मुताबिक एक खिड़की का इजाफा किया गया और फिर उसके बाद से आज तक उन दीवारों की बंदिश है। 881 हिजरी में दोनों दीवारों में एक तीसरी दीवार का इजाफा किया गया और हुजरे नबी में आखिरी दाखिला था। सबसे पहले 668 हिजरी में जिस शख्सियत ने हुजरे मुबारका की जालियाँ तामीर करवाईं, वो ममलूक सल्तनत का पहला नामवर हुक्मरान रुकनुद्दीन बैबर्स था। उसने दीवारों के चारों तरफ फौलादी जालियों को नसब करवाया और उस फौलादी जाल 13 रमज़ान 886 हिजरी को हरम नबी में दूसरी आग लगने के वाक़े तक मौजूद रही। उसके बाद पुरानी जाल को हटा दिया गया और उसकी जगह सुनहरी जालियाँ नसब की गईं। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुंबद खज़रा की ठंडी ठंडी चाहों नसीब फरमाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें। अगर हमसे कहने में कोई गलती हो गई हुआ और आप बेहतर जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।